जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। भगवान कल्कि जितने भी श्रीहरि के अवतार हुए हैं उन सब से कहीं अलग यूनिक पैटर्न को फॉलो करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो ताकत है वो केवल उनकी नहीं बल्कि जितने भी श्रीहरि के अब तक अवतार हुए हैं, यानी भगवान कल्कि 10वें अवतार, तो 9 अवतार जो हुए हैं उन सब की एनर्जी भगवान कल्कि में निहित है। और इसी कारण भगवान कल्कि बेहद पावरफुल, अनलिमिटेड उनके अंदर क्वालिटीज़ और इतनी एनर्जी, अगर सभी अवतारों की एनर्जी इकट्ठी होकर भगवान कल्कि में समा जाए तो सोचिए वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। एवं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की एनर्जी भी भगवान कल्कि में निहित। कारण क्या, क्यों उनमें सभी अवतारों की एनर्जी डाली गई है, क्यों सभी का वास होगा उनमें, क्यों इस तरह से तैयार किया गया भगवान कल्कि को कलयुग के लिए, क्योंकि ये कलयुग है ही वो युग जिसमें अपराध अपनी चरम सीमा पर, उनसे लड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए उस अपराध का ग्राफ जो कलयुग में भयंकर चरम सीमा तक पहुंच गया है, बाकी जितने भी युग हुए हैं, चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, या पहला युग सतयुग। सतयुग तो धर्म चारों पैरों पर था, यानी अपराध जीरो, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही त्रेता युग की शुरुआत हुई धर्म 3 पैरों पर, उसके बाद द्वापर धर्म 2 पैरों पर, और अब धर्म केवल 1 पैर पर खड़ा है। और जिस दिन वो 1 पैर धर्म का टूटा, यानी धर्म का नामो निशान खत्म, उस दिन मच जाएगा वो बवाल जो आज तक किसी भी युग में किसी भी इंसान ने नहीं देखा होगा। अंतिम युग और अंतिम अवतार, जी हाँ, अंतिम अवतार भगवान कल्कि जब धरा पर अवतरित हुए हैं उन्हें भी उसी तरह से स्पेशल वे में तैयार किया गया है उनके गुरु परशुराम के द्वारा, जिनका ठिकाना महेंद्रगिरी पर्वत पर है। तो परशुराम के द्वारा अस्त्र और शस्त्र दोनों में महारत हासिल करके ही भगवान कल्कि को धरा पर रखा गया है, ताकि वो युग परिवर्तन के मिशन को अपने अलग स्टाइल में, भले ही उनमें बाकी 9 अवतारों की एनर्जी रहेगी, लेकिन इसके पश्चात भी उनका अपना काम करने का अलग तरीका होगा। ना ही वो नरसिंह अवतार की तरह या परशुराम की तरह बहुत अधिक क्रोधित होंगे, ना ही वो राम जी की तरह बहुत सौम्य, ना ही वो कृष्ण भगवान की तरह चालाकी करने में नंबर 1। जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान साम दाम दंड भेद हर चीज़ को अप्लाई करके, चाहे जिस किसी तरह भी हो काम को निकालना यदि हो, तो वो श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बस जीतना है, और जीत यदि सत्य के राह पर है और अड़चने आ रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दे ही देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी सी चालाकी तो खेल ही ली। कौरव जो कि बहुत ताकतवर थे, उनकी तुलना में पांडवों की ताकत कम होते हुए भी दुनिया में भगवान ने ये एग्जाम्पल सेट किया कि यदि अक्ल से काम लिया जाए तो अच्छे अच्छे दुष्टों का खात्मा किया जा सकता है। तो चालाकी करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, और सामने वाला यदि गलत है तो बहुत टाइम तक उसके गलत को, अन्याय को सहन नहीं भी करना चाहिए। तो मिला जुला हर 9 अवतार की एनर्जी चूंकि भगवान कल्कि में है, इसलिए वो सभी अवतारों की तरह काम करेंगे, लेकिन चूंकि वो आखिरी अवतार हैं और आखिरी युग में आए हैं, और जिस युग में आए हैं वहाँ असुरों का बोलबाला, जितने भी असुर आज तक हुए हैं, चाहे वो रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, चाहे जो भी हो, असुरी प्रवृत्ति वाले जितने भी लोग अब तक हुए हैं, उन सबसे कहीं खतरनाक कलयुग में
मानव जो दानवी प्रवृत्तियों को अपने अंदर समेटे ऐसे ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं जिनका खात्मा इंसान कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कल्कि को अलग स्टाइल में परशुराम ने तैयार किया कि ज़रूरत पड़ी तो साम दाम दंड भेद चाहे किसी भी तरह से कुछ भी अप्लाई करना पड़े फॉर्मूला, लेकिन असुरों का खात्मा करना उनके हाथों निश्चित है। तो चाहे वो पाताल लोक में जाकर क्यों न छिप गया हो, लेकिन भगवान कल्कि की नज़रों से कोई भी पाप करके नहीं बच सकता कलयुग में। क्योंकि ये अंधेरे का युग और प्रकाश की किरण बनकर आए हैं इस धरा पर भगवान कल्कि, जिनमें त्रिदेव की एनर्जी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही एक साथ और बाकी नौ अवतार उनकी एनर्जी, तो सोचिए कितनी पावरफुल एनर्जी होगी भगवान कल्कि की, जिन्हें लोग आज भी देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो इनविजिबल होकर सूक्ष्म रूप में अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि भगवान कल्कि अभी 432,000 साल बाकी है उसके पश्चात आएंगे। इसलिए जितने क्राइम करने हैं कर लो, जो भी उल्टे सीधे काम करने हैं कर लो, कौन देख रहा है, भगवान थोड़ी ना हमें देख रहे हैं, कोई कल्कि वल्कि नहीं आए, सब झूठ सब प्रपंच। जी हाँ, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उन्हीं लोगों को त्राही माम करना पड़ेगा। आने वाला समय बेहद प्रलयकारी और भयंकर होने जा रहा है। ग्रह और नक्षत्र इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 2025 शनि भगवान जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो समय का युग परिवर्तन का वो चरण इंसान देखेगा जिसकी कल्पना भी शायद उसने अब तक नहीं की है। जी हाँ, कोरोना में तो लाखों की संख्या में लोग मरे, फिर भी काफ़ी लोग बच गए, लेकिन वो जो समय होगा 2025 से उसके बाद पापियों का खात्मा बहुत फास्ट मोड में चला जाएगा। जी हाँ, भगवान कल्कि अब रिएक्शन की चिंता नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल उनका स्ट्रॉन्गली एक्शन चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में वो अपने एक्शन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर आने के पश्चात कहीं ना कहीं समय के चक्रव्यूह में वो भी फंसे हुए हैं। जब तक जिसका समय नहीं वो लाख पाप करे, लेकिन जब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भरता भगवान कल्कि भी उसका खात्मा नहीं कर सकते। तो देखते जाइए भगवान कल्कि का खेल, अपने नौ अवतारों की एनर्जी को अपने अंदर समेट कर माँ शक्ति के साथ, महाकाल के साथ, त्रिदेव की एनर्जी के साथ किस प्रकार पापियों की अक्ल ठिकाने लगाते हैं और दुनिया वालों को सही राह दिखलाते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।